नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। आप सभी को पता है कि आज है प्रदोष व्रत, तो आप सभी को तो सबसे पहले प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु प्रदोष व्रत है ये भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी प्रदोष व्रतों को आपको करना चाहिए। हर एक दिन जब प्रदोष व्रत का आता है तो वो हर एक दिन अलग अलग दिन आता है, जिस दिन जो व्रत रहता है उसका महात्म्य रहता है। जैसे कि इस बार पढ़ा है गुरु प्रदोष व्रत, तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने से आपको विजय मिलती है, सभी शत्रुओं का आपके नाश होता है, आपके कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य जो हैं मंगलकारी हो जाते हैं, आपके सारे कार्य, रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत में त्रयोदशी व्रत करने से आपको 100 गायों जितना, दान करने जितना आपको फल प्राप्त होता है। पूरी पूजा संपन्न करने के बाद आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय प्रदोष की पूजा करनी चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो सावन का महीना चल रहा है भक्तों, आप ज़रूर से अपने घर में प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक कराइए। अगर नहीं करा सकते हैं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जाप नहीं करा सकते हैं, तो खुद ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं अपने घर में। शिव चालीसा पढ़नी चाहिए आज के दिन। जो भी दिन प्रदोष का है यानी गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष की किताब या कथा आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। चलिए बहुत ही ध्यान और से आप सभी लोग सुनिएगा। आज के दिन सभी कामना की पूर्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, विजय की प्राप्ति के लिए, शुभ वरदान के लिए आप ये कथा अवश्य ही सुनिएगा, बहुत ही मन लगा के। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। एक यही जरिया है भक्तों आपसे अपना कांटेक्ट बनाने का, तो कृपा करके अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखिएगा। आपका अगर कोई सुझाव हो मेरे प्रति तो वो भी आप ज़रूर ही कमेंट में लिखिएगा। अभी हम बिल्कुल नए ही हैं आपके लिए, तो आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो ज़रूर से कॉन्टैक्ट के लिए आप मेरे वीडियो पे हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। भक्तों, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं त्रयोदशी तिथि में शाम को प्रदोष काल के समय सुनने वाली गुरु प्रदोष की कहानी। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। जो भी भक्त इसे करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके सभी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वित्तासुर नाम की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वित्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं ही युद्ध में कूद पड़ा। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम लोगों को वित्तासुर का वास्तविक चरित्र बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। वित्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमाधन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला आया। उसे ये वरदान था कि वो देवताओं के लोक में कहीं पे भी घूम सकता है। वह शिव जी
के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वो उपहास पूर्वक हंसने लगा और बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्त्रियों के साथ इस तरीके से सभा में एक साथ देवता भी बैठे मिलेंगे मुझे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर महादेव हंस के बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकुट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम्हें साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो उसी समय उस दुष्ट को बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही साथ मेरी भी उपहास किया है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुराचार कभी भी दोबारा नहीं करेगा। अब तू दैत्यों का स्वरूप धारण कर और नीचे जा। इस तरीके से श्राप देने से जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और उत्रष्ट नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वित्तासुर बना। गुरुदेव व्यासपति आगे बोले, वित्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतएव हे इंद्र, तुम वित्तासुर को युद्ध में हराना चाहते हो तो तुम व्यासपति प्रदोष व्रत का विधि विधान से पालन करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर व्यासपति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वित्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। इस तरीके से यहीं पे जो कथा है वो संपन्न होती है। आपको ये कथा किसी न किसी को सुनानी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सुनने के लिए नहीं है तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर के आप सुना सकते हैं। दीपक को साक्षी रख करके भी आप कोई भी व्रत कथा आप अपनी सुना सकते हैं। उसके बाद महादेव की चालीसा पढ़ें, आरती करें भगवान की, अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और अपने व्रत का संकल्प छोड़ना चाहिए। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, आज की व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव की भक्ति करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।